Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. Hope you all are well. Students, today in this video I am going to explain you class 3 subject English Marigold unit 7 Little Tiger Big Tiger recapitulation for your term 2. स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो में आपको जो मैरीगोल्ड का जो चैप्टर है, स्टोरी है, यूनिट 7 लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर, उसका रिवीजन दे रही हूँ फॉर योर टर्म 2. सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक यूनिट 7. द हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज द लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर. देर वॉज अ मर्डर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब. एक जो टाइगर है वो मम्मा थी और एक टाइगर कब मीन्स उसका बच्चा. दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल. वो लोग जो हैं, जो टाइगर मदर टाइगर और जो टाइगर कब है, वो दोनों शेडी जंगल में रहते थे. व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब जो स्काई जो है एकदम अंधेरा वाला था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिक. जो मदर टाइगर हैं वो डियर एंड पिक का शिकार करने जाते थे. द टाइगर कब स्टे क्लोज बाई हिज मदर साइड. और वो हमेशा जो छोटा सा बच्चा है टाइगर का कब, वो उसकी मम्मा के एकदम पास में ही रहता था. वेन द लंगूर मंकी सॉ हर, जब लंगूर मंकी जो है वो मदर टाइगर को देखता है, ही कॉल्ड अलाउड, वो जोर से बोलता है, हार्श कॉल, एकदम जोर से, वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग, देखो सब बाहर, ये जो मदर टाइगर आ रहे हैं. The somber deer bellowed, the cocker deer bark, and sometime the game got away. Means ये जो लंगूर मंकी है वो सबको इन्फॉर्म कर देता था कि कौन आ गया, मदर टाइगर. सो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि वो क्या करने आते हैं, शिकार करने आते हैं, तो सब क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाते हैं. सो जो मदर टाइगर जो है उसका जो हंट करने का जो टाइम था, अब वहाँ पे जो सारे भी एनिमल्स थे वो सारे एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि लंगूर मंकी सबको बता देता था. शी हंटेड देन फॉर जंगल, और उसके बाद वो कहाँ पे जाती हैं, हंट करने के लिए जंगल में. फॉल फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश. कभी उसको पीजेंट जो है वो भी बर्ड का नाम है, कभी फॉग और फॉल जो है वो भी एक बर्ड का नाम है, और कभी वो फिश रिवर के पास फिश का शिकार करने जाती है. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, और वो रोज हमेशा खाली हाथ वापस आती थी, वो शिकार नहीं कर पाती थी. इट इज़ द मून वॉज ब्राइट, सॉरी, इफ़ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन. अब जब फुल मून नाइट होगी, वो दिन टाइगर जो है वो क्या करते हैं, ले डाउन मीन्स वहाँ पे लेटा रहता है, एंड वो वेट फॉर द डॉन, और शाम होने का वर्क टाइम का जो क्या करती है, वो वेट करती है. सी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर का पॉन्स ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. वो हमेशा फिर अपना जो टेल है उसके उसको क्या करती रहती थी, पॉन्स करती रहती थी. If he went too far, the mother tiger called him with a low. अब वो क्या करती हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है, जब वो बहुत दूर से ये, if he went too far, कौन जो कब है वो, the mother tiger called him with low. जो mother tiger है वो उसको छोटे मतलब धीरे आवाज़ से उसको बुलाती थी, quite grunt, एकदम धीरा सा, क्योंकि वो डर जाता है अगर उसको, अगर मम्मा, हम लोग कभी छोटे होते हैं और हम मम्मा हमें ज़ोर से चिल्लाते तो हम लोग डर जाते हैं, वैसे ही ये जो छोटा सा कब है उसको उसकी मम्मी धीरे आवाज़ से बुलाती थी. द टाइगर कब केम बैक, और टाइगर कब जो है वो उनके पास वापस आता था. बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट. बट ये छोटा सा जो कब है उसको उसकी मम्मा के पास में पड़े रहना मीन्स उसके पास में ही रहना, वो जंगल में रात को उसके मम्मा के पास ही रहना उसको पसंद नहीं था. सो अब यहाँ पे क्या करती है नेक्स्ट. वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज. एक बार जो मदर टाइगर हैं वो क्या करती हैं,
सी हियर, वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड, मीन्स वो जो मदर टाइगर है वो थक जाती हैं और अपनी आँख बंद कर देती हैं, तो क्या होता है? द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, और टाइगर कब जो है वो एक छोटे से जो फ्रॉग है उसको देखता है। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, हॉपिंग मीन्स जंप करना धीरे धीरे से, तो वो ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा था, जंप कर रहा था। द टाइगर कब पॉन्स बट द फ्रॉग होप अवे, वो टाइगर कब है जो उसको मार के उसको पकड़ना चाहता था, बट जो टाइगर कब कब सॉरी जो फ्रॉग है वो वहाँ से चला जाता है। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट, वो क्या करता है जो ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट, बट वो क्या करता है टाइगर कब जो है वो जो फ्रॉग है उसको चेज करके उसको पकड़ लेता है। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वो कहाँ जाता है, वो लेके अपने मम्मा को दिखाने के लिए जाता है। बट शी वॉज नॉट इन साइट, बट वो साइट पे नहीं थे। इंस्टीड ही सॉ अ टाइगर, और वो जो छोटा सा कब है उसको कौन दिखाई देता है, टाइगर। बिगर देन हिज मदर, उसकी मम्मा से भी बड़ा। नियर ही इन द जंगल, उनके पास में जंगल में। द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टन एज ही वॉच द टाइगर कब, जैसे ही ये जो छोटा सा बच्चा था कब वो जो बड़ा सा टाइगर जो है उसको देख के उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन, वो डरा हुआ था और वो डर जाता है। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो छुप भी नहीं सकता था और भाग भी नहीं सकता था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, और उसने क्या किया, उसके डर की वजह से उसने वो फ्रॉग जो है उसको जाने लिया। द टाइगर क्रैप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, वो धीरे धीरे से छोटा सा जो टाइगर कब है उसके पास में आ रहा था। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, पूरा आवाज़ मदर टाइगर जो है उसका आवाज़ जो है वो पूरे जंगल में गूंज रहा था उसकी आवाज़, क्योंकि वो मदर टाइगर है वो जोर से चिल्लाती है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइगर था जो अपने बच्चे को मारना चाहता था। सी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, और जो मदर टाइगर है वो उनको उनके साथ क्या उसको फेस करती है, जो बड़ा सा टाइगर आया था उसको, और वो वहाँ से चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर, जो मदर टाइगर है उसको बहुत पसंद था रोर करना। अ लाउड बिग टाइगर रोर, जो बड़ा सा टाइगर है वो उसको आवाज़ करना हमेशा बहुत पसंद था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर, तो वो आवाज़ करके सबको बता सकती थी कि मैं यहाँ पे हूँ। ऑल द एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और उसका आवाज़ सुन के जितने भी एनिमल्स थे वो वहाँ से भाग जाते थे दूर दूर तक। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, जो टाइगर कब है उसको भी मीन्स जो बच्चा था उसको भी बहुत पसंद था आवाज़ करना। द लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज डेड, ऐसे ही ये जो छोटा सा कब है टाइगर कब वो बड़ा होके भी उसको भी रोर करना बहुत पसंद था, ताकि उसको वो सारे एनिमल्स को बता सके कि वो कहाँ पे हैं जंगल में। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे, और सारे एनिमल्स जो है उसके आवाज़ से भाग नहीं जाते थे और कोई भी किसी को भी वो डर नहीं लगता था, किससे, जो छोटा सा कब जो बड़ा होके जो रोल करता था उससे। बट देयर कम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज फुल ऑफ ग्रोन टाइगर, पहले जो है वो मदर टाइगर जो है सी हियर, बट ऑल द रोड अदर एनिमल दैट जंग इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड ऑफ एट ऑल एट नन ऑफ देम रैन अवे, अब जो छोटा सा टाइगर था जब वो तब वो रोर करता था उससे कोई भी एनिमल्स को डर नहीं लगता था। अगर कोई छोटा बच्चा के यहाँ पे ग्रंट करता है तो किसी को भी डर नहीं लगेगा, है ना। पर अब लास्ट पैराग्राफ में क्या है, सी हियर, बट देयर कम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब फुल ऑफ ग्रोन टाइगर, एक बार क्या होता है कि जो छोटा सा टाइगर है वो एकदम से बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, सी हियर, ही वॉक्ड फॉर माइल्स अलोन, और वो माइल तक वो अकेला जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और रात को शिकार भी करने जाता था। व्हेन ही रोड टू टेल
ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज डेड। वो आवाज़ करके वो जो एनिमल्स हैं उनको बता देता था दैट आई एम हियर। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। अब वो छोटा सा जो बच्चा था कब वो बड़ा होकर रोल करता है तो उससे सारे एनिमल्स को डर लगता है। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब। ये जो छोटा सा बच्चा था जो छोटा सा टाइगर कब था अब वो एक बीन क्या हो गया ग्रेट बिगर टाइगर। हियरिंग हिज ओन लाउड रोर और वो क्या करता था अपना खुद का आवाज़ भी सुनता था जो रोर करता। स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। पहले छोटा सा बच्चा जो है वो स्माइल करता था बट अब वो बड़ा टाइगर जो है वो ग्रेट वाला टाइगर जो अपनी स्माइल दे रहा था। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय लुइस हैमिल्टन फुलर। ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर गिव मीनिंग। फर्स्ट है शेडी दैट फुल ऑफ शेड। बेलोन दैट मीन्स डीप लाउड रोर। नंबर थ्री लॉन्स अटैक सडनली। Number 4, grunt, that means shout or deep sound. Number 5, glisten, to shine with sparkling light. Number 6, game, sport laid according rules. Number 7, pigeon, a long tail bird. And number 8, fowl, jo hai, wo domestic bird hai. Okay, now let's proceed to your answer the following. Number 1, who chased a frog and caught it? किसने चेस किया और फ्रॉग को पकड़ा। अ टाइगर कब चेस द फ्रॉग एंड कॉट इट। उसने टाइगर कब जो है उसने फ्रॉग को चेस किया और उसे पकड़ लिया। नंबर 2, हु सॉ द मर्डर टाइगर। द लंगूर मंकी सॉ द मर्डर टाइगर। जो लंगूर मंकी थी उसने किसको देखा मर्डर टाइगर को। नाउ टेक द राइट आंसर। नंबर 1, वेयर डिड द मर्डर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लीव। नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन और नियर अ सी। सो वो लोग कहाँ पर रहते हैं रिवर के पास में। सो आपका आंसर है नियर अ रिवर। यू सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। नेक्स्ट है वॉट डिड द मर्डर टाइगर हंट वेन द स्काई वॉज डार्क। जब स्काई डार्क होता था वह जब वो मर्डर टाइगर किसको हंट करती थी। शीप एंड डॉग्स, डियर एंड पिग्स, शीप एंड फ्रॉग, डोंकी एंड हॉर्सेस। वो किसे हंट करती थी डियर एंड पिग्स। सो आपका आंसर यहाँ पे है डीप एंड डियर एंड पिग्स। उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द टाइगर कैच वन नाइट। एक नाइट को टाइगर जो है टाइगर का उसने किसको पकड़ा अ डियर अ पिग अ फ्रॉग और अ कैट। उसने किसको पकड़ा था अ फ्रॉग। सो यू हैव टू अंडरलाइन द फ्रॉग। ओके नाउ सी हियर मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वन। जो बच्चा है एनिमल्स का जो बच्चे हैं उसको का क्या कहा जाता है उसके साथ आपको मैच करना रहेगा। ओके सी हियर फर्स्ट वन है हॉर्स डॉग कैट काउ पिग टाइगर शीप गोट एंड डक। हियर किटन काफ कॉल्ट पपी कब पिगलेट किड डकलेट डकलिंग एंड लैम। सी हियर हॉर्स का जो बच्चा है डेट इज़ कॉल्ड कोल। सो यहाँ पे आपको ब्लू कलर से मैच किया हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है डॉग उसके बच्चे को क्या कहते हैं यंग वन को पप्पी। सो ये रेड कलर से यहाँ पे आपको दिखाई देता है मैच किया हुआ। नेक्स्ट है कैट। अब कैट के बच्चे को क्या कहते हैं किटन। यहाँ पे आपको येल्लो कलर से मैच किया हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है काउ उसके बच्चे को कहते हैं काफ। नेक्स्ट है पिग उसके बच्चे को क्या कहोगे पिगलेट। टाइगर का जो बच्चा है डेट इज़ कॉल्ड कब। शिप का जो बच्चा है डेट इज़ कॉल्ड लैम। गोट का जो बच्चा है उसे क्या कहोगे किड। एंड डक का जो बच्चा है डेट इज़ कॉल्ड डकलिंग। सी वंस अगेन ये जो एनिमल्स हैं उसके बच्चे के यंग वंस के साथ बच्चे के साथ मैच करना है। हॉर्स कोल्ट डॉग पपी कैट किटन काउ काफ पिग पिगलेट टाइगर कब शीप लैम्ब गोट किड एंड डक डकलिंग। ओके नाउ सी हियर हियर सम लेटर्स इज गिवन। कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एनिमल। यहाँ पे जो उल्टे सुलटे लेटर्स दिए हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करके उसको वर्ड बनाने हैं। सो फर्स्ट वर्ड है आपका माउस। नेक्स्ट है हॉर्स उसके बाद है लायन शीप डियर बुल टाइगर एंड वुल्फ। ये जो लेटर्स उल्टे सुलटे दिए हैं उससे ये वर्ड्स बनते हैं माउस हॉर्स
लायन, शीप, डियर, बुल, टाइगर एंड वुल्फ, ये सारे जो नेम्स हैं वो एनिमल्स के नेम हैं. ओके, नाउ सी हियर, आपको क्या करना है, द एनिमल्स एंड बर्ड इन द कॉलम हैव रीच देयर होम इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर. बीज कहाँ पे रहते हैं, हाइव. एंट कहाँ पे रहती हैं, एंट हिल. डक कहाँ पे रहती हैं, डक रहती हैं पॉन्ड में, राइट. टाइगर कहाँ पे रहता है, डैन में. रैबिट रहता है बर्डों में. स्पाइडर कहाँ पे रहता है, वेब. और स्पैरो जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, नेस्ट में. सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस एंड मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स. आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ना रहेगा. ओके, सो यू हैव टू मेक द वर्ड फ्रॉम दिस गिवन पिक्चर. ओके, सो आपका फर्स्ट है, अ बी लिव्स इन अ हाइव. एन एंट लिव्स इन एंट हिल. अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड. अ टाइगर लिव्स इन अ डैन. अ रैबिट लिव्स इन अ बर्ड. अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब. अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट. ये क्वेश्चन जो है बेटा, सी हियर, हु एम आई, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लू टू कंप्लीट द क्रॉस पजल. द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू. शायद ये जो क्वेश्चन है, हु एम आई, वो आपकी एग्जाम में आइडेंटिफाई मी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है. सी हियर वंस अगेन, ये जो क्वेश्चन है बेटा, हु एम आई, वो आपकी एग्जाम में आइडेंटिफाई मी ऐसा क्वेश्चन करके भी पूछा जा सकता है कि मैं कौन हूँ. यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है वो शायद दिया गया होगा और उसके सामने उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो आपको लिखना रहेगा. ओके, सो फर्स्ट वन है, आई गिव वूल. मैं कौन हूँ, फर्स्ट वन देखो यहाँ पे शीप. तो आपके उसके सामने क्या आंसर लिखना रहेगा, वूल. ब्लैंक है, उसके सामने ब्लैंक दी गई होगी. अगर ये आपके एग्जाम में है तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, शीप. नेक्स्ट है ले एग्स. सो कौन है यहाँ पे, हैन. ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देता है जो एग देता है. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, हैन. गिव यू मिल्क. कौन है मिल्क देता है, नंबर थ्री देखो, काव. सो अगर ये एग्जाम में है तो उसके सामने आपको क्या लिखना है, काव. नेक्स्ट है आई कैरी लोड्स. मैं लोड्स लेके घूमता हूँ. सो वो कौन है, डोंकी. तो अगर मैंने ऐसा पूछा है कि आई कैरी लोड्स तो उसके ब्लैंक में आपको लिखना है डोंकी. आई ने, कौन है वो, हॉर्स. आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड. तो कौन है वो, डॉग. आई लिव इन स्टे. स्टे वो कहाँ पे है, नंबर सेवन है. तो आपको यहाँ पे देखना है वो कौन है, पिग. आई ब्लीट. तो वो कौन है, आई ब्लीट गोट. आई एम शीप ऑफ डेजर्ट. वो कौन है, कैमल. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी विद एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ. जजाकल्ला.